यहाँ पर प्रभात के जो यूज किया हुआ सामान सब देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रभात ने यूज किया था सामान सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमने जो वहाँ पर देखा ये कृष्ण बलराम मंदिर है, और जहाँ पर हमने अभी देखा ये प्रभुपाद का क्वार्टर था जहाँ पर प्रभुपाद रहते थे कृष्ण बलराम मंदिर में। और ये जो सामने देख रहे हैं सिटिंग प्लेस है, यहाँ पर प्रभुपाद बैठते थे। तो प्रभुपाद के जो भी सामान उन्होंने यूज किया सब कुछ डिटेल में रूम में अभी भी रखा गया। आप लोग ने देखा उनका बेड, उनका मृदंग, उनका जो भी सामान यूज करते सबको प्रिजर्व करके रखा गया, जिसको प्रभुपाद क्वार्टर से बोला जाता है, जो कि कृष्ण बलराम मंदिर में है। और ये प्रभुपाद यहाँ पर आके जब फ्री टाइम में यहाँ पर प्रभुपाद बैठते थे, उनका सिटिंग प्लेस है। इस प्रकार कृष्ण बलराम मंदिर जो कि वृंदावन में बहुत फेमस है अंग्रेज मंदिर के नाम पे, यहाँ पर हम तीनों विग्रह का दर्शन किए। जो पहला विग्रह हमने दर्शन किया वो थे कृष्ण राधा श्याम सुंदर, फिर दूसरे कृष्ण बलराम, तीसरे गौर नीता। इस प्रकार तीनों विग्रहों का खुद प्रभुपाद ने यहाँ पर उनका प्रतिष्ठा किया। और फिर इसी जगह पर प्रभुपाद जब सारे विश्व में 108 मंदिर बनाने के बाद 1977 में यहाँ पर प्रभुपाद आकर अपना अंतिम शरीर यहाँ पर छोड़े थे। तो ये प्रभुपाद को बोलते कि ये मेरा घर है वृंदावन, जो कि आज हमने यहाँ पर दर्शन किया कृष्ण बलराम मंदिर रमन प्रति में। हरे कृष्ण। और यहाँ पर एक सुंदर गोविंदा रेस्टोरेंट भी, अगर आपको कुछ प्रसाद लेना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो यहाँ पर अच्छा प्रसाद भी ले सकते हैं, वो सुविधा भी यहाँ पर है। हरे कृष्ण। इस्कॉन मंदिर के पीछे अगर आएंगे 5 मिनट के दूरी में एक सुंदर सा गौशाला आपको देखने को मिलेगा। ये इस्कॉन मंदिर का गौशाला है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे गैया है और बैल हैं यहाँ पर रखा गया, उनको प्रोटेक्शन देते हुए रखा गया। बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस्कॉन मंदिर के पीछे ही है, और ये गौशाला में गौ माता का देख सकते हैं। और जैसे ही इस इस्कॉन मंदिर के पीछे वाले इस गौशाला क्रॉस करके आप बाहर निकलेंगे एंट्री में, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग में आपको टच करेगा, तो वहाँ पर परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। अभी हम परिक्रमा वहाँ से ही शुरू करने वाले हैं, पूरा वृंदावन का ब्रज का परिक्रमा करेंगे। और उस परिक्रमा मार्ग में बहुत सारा भगवान के लीला स्थली आता है, जैसे कि कालिया दमन लीला स्थली आता है, फिर इमली तला आता है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जप करते थे आके सुबह स्नान करने के बाद, फिर जो सात गोस्वामी का मंदिरों का स्थान आता है, इस प्रकार बहुत सारा मंदिर आते हैं। अभी एक एक मंदिर हम देख के पूरा वृंदावन का हम परिक्रमा करने वाले हैं, और जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मंदिर आएगा हम प्रयास करेंगे उसका वीडियो बना के डालने के लिए, ताकि आप लोग उसका देख के भी आप उसका लाभ कर पाए। इस प्रकार वृंदावन धाम है, भगवान लीला करके चले गए हैं, लेकिन अभी जो दृश्यमान हम देख रहे हैं ये भव्य वृंदावन है। तो आइए इसका जितना हो पाए उतना हम लाभ ले पाएँ और हमारे जीवन में उसका कृपा को समेट पाएँ। हरे कृष्ण कृष्णा। इस प्रकार अभी हमारा वृंदावन जी का परिक्रमा शुरू हो गया है, हम लोग अभी परिक्रमा मार्ग में इस्कॉन गौशाला से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं अभी मदन मोहन जी के अद्वैत लीला के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे वैष्णव जुड़े हुए हैं, आनंद प्रेम प्रभु हैं, फिर गंगानाथ चैतन्य प्रभु है, गंगा नारायण प्रभु है, सब मिलकर हम गोवर्धन वृंदावन जी का परिक्रमा अभी हम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी देख सकते हैं कालिया दमन लीला यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही आता है। पहले बोला जाता कि यमुना यहाँ तक पानी बहती थी, तो यहाँ पर जो कालिया साफ रहता था, और एक दिन जब कृष्ण के गैये पानी पी लिए तो सब जहर कालिया का जहर के कारण मूर्छित होकर यहाँ गिर गए थे। और सामने आप देख सकते हैं ये जो पेड़ देख सकते हैं कदम का पेड़, बोला जाता है कि इसी कदम का पेड़ में कृष्ण ऊपर चढ़ गए थे, और ऊपर से यहाँ छलांग मार के भगवान नीचे गए थे पानी में, और कालिया के सर के ऊपर यहाँ पर नृत्य किए थे। देख सकते हैं किस प्रकार नृत्य कर रहे हैं, और कालिया का पूरे विष को निकाल दिए थे। और भगवान का जो पैर इतना कोमल रहता है, लेकिन कालिया के ऊपर जब नाच रहे थे तो इतना कठोर हो रहा था कि वज्रपात की तरह उनको लग रहा था, और कालिया का एक एक सर
टूटने लगा। और जब अंतिम सर के ऊपर पैर रख रहे थे, कालिया के पत्नियां आप देख सकते हैं वहां प्रकट होते हैं, जो कि वैष्णवी रहते हैं, और उनके प्रार्थना से भगवान कालिया को छोड़ देते हैं और कालिया यहाँ छोड़ के समंदर में चला जाता है। इस प्रकार एक कालिया दमन लीला इसी जगह पर हुआ था और तब से पानी शुद्ध हो जाता है और सब लोग यहाँ पर फिर पानी पी सकते हैं और शुद्ध जल वृंदावन का कालिया दहा इस लीला के कारण मिल जाता है। तो ये आज हमें रिकॉर्ड मार्ग में कालिया दमन लीला। हरे कृष्णा। अभी सामने आप देख रहे हैं राधा मदन मोहन देव जी का मंदिर आ रहा है अभी परिक्रमा मार्ग में। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं टीला के ऊपर है, अद्वैत टीला भी बोला जाता है। इसी टीला के ऊपर सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को स्थापना करके पूजा कर रहे थे। मंदिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य मंदिर है। और इसी टीला के ऊपर जब हर रोज पूजा करते थे मदन मोहन जी को, तो उनको बाटी खिलाते थे बिना नमक का। तो एक दिन मदन मोहन खुद बोलते हैं कि सनातन आप लोग हर रोज मुझे बाटी खिला रहे हो बिना नमक का, कुछ तो नमक दिया करो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आज नमक मांग रहे, कल घी मांगेंगे, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, मुझे शास्त्रों का हरिभक्ति विलास का रचना करना है और आप नमक घी मांगेंगे तो मैं ये मधुकरी करूंगा तो समय कहाँ मिलेगा शास्त्र लिखने के लिए, इसलिए कृपा करके मैं ये नहीं कर सकता, मुझे गुरु का जो सेवा मिला है वो मैं करना चाहता हूँ, बोल के सनातन गोस्वामी नहीं दिए। जिसके कारण मदन मोहन जी खुद एक लीला करते हैं, एक बड़े व्यापारी जहाज में नमक लेके जा रहे थे, उनका जहाज यहाँ पर अटक जाता है और जब जहाज अटक जाता है तो इस टीला के ऊपर आके उस बालक को मिलते हैं कि पूछते हैं कि उस बालक को कि यहाँ पर कोई मुझे मदद कर सकते हैं क्या। बालक बोलता है कि टीला के ऊपर जाओ, टीला के ऊपर बहुत बड़ा एक बाबा जी रहते हैं तो मदद करेंगे। तो बालक तो जैसे ही सुनते हैं कपूर जी ऊपर जाते हैं और सनातन गोस्वामी को पूछते हैं और सनातन को और कपूर जी ऊपर जाते हैं बाबा को पूछते हैं, लेकिन बाबा करते हैं मैं क्या कर सकूं, जो भी करते हैं बाबा भगवान करते, सामने साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं उनको पूछिए। और मदन मोहन जी को जैसे ही प्रार्थना करते हैं उनका जहाज एक बड़ा तूफान आता है और उस तूफान से उनका जहाज मुक्त हो जाता है और फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि कृपा करके आप बोलिए मुझे आपको कुछ देना है। तो मदन मोहन जी भी बोलते कि मैं ठहरा बैरागी बाबा जी, मुझे क्या चाहिए, आपके जहाज में है क्या पूछते हैं। तो बोले मेरे जहाज में नमक है। तब मदन मोहन जी को पता चलता है कि इतना बड़ा लीला क्यों किए, क्योंकि मदन मोहन जी को नमक चाहिए था। तो इसी तो यहाँ पर ऊपर टीला में ऐसा चढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि मदन मोहन टीला के ऊपर रहते थे। और तब जब सनातन गोस्वामी पूछते हैं तो पता चलता है कि उनके बोट में नमक था और वो नमक जब वो देते हैं फिर नमक से उनका दाल बाटी बनाते हैं और तब से नमक लगना शुरू होता है। तो इस प्रकार मदन गोपाल जी खुद का वो अपना इस लीला के माध्यम से करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। और फिर जब उनका रामदास कपूर जब व्यापार करके आते हैं उनको बहुत प्रॉफिट होता है, और जिसके कारण जब रिटर्न आ रहे थे और कृतज्ञ के भांति उन्होंने बोला कि मुझे आपको कुछ देना है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो सनातन मदन गोपाल जी यहाँ बैठे रहते हैं धूप में, छाओ में, धूप में, बारिश में, ठंडी में, इनके लिए घर बना दीजिए। और तब जाके रामदास कपूर जी ने ये सुंदर सा मंदिर आप जो देख रहे हैं, जितना भी उनका प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट से ये सुंदर मंदिर जो आप देख रहे हैं ये मंदिर निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, ये मंदिर निर्माण करते हैं रामदास कपूर और इस मंदिर में मदन गोपाल जी का सेवा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। और इसी मंदिर को हम गोवर्धन इको विलेज गालतारे में महाराष्ट्र में भी इसको रेप्लिकेट किया है, इस मंदिर को हम दर्शन कर सकते हैं। और ये टीला के ऊपर है, इसको द्वादश आदित्य टीला है, एक टीला है ऊपर से आप नीचे देख सकते हैं, पहाड़ एक है, इस पहाड़ के ऊपर मदन मोहन जी रहते थे और पास में यहाँ पर पहले यमुना टच करके यहाँ पर बहती थी, इसलिए यहाँ पर उसका जहाज अटक गया था। दूर से आप देख सकते हैं यमुना नदी भी देख सकते हैं, अगर दूर से देखेंगे, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, देखिए यमुना नदी भी दिख रहा है जो कि पहले यहाँ पर पास में यमुना नदी बहती थी। हरे कृष्ण। राधा मदन मोहन मंदिर के नीचे ही जैसे ही आएंगे यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी का समाधि मंदिर देख सकते हैं। सनातन गोस्वामी जो कि अद्वैत टीला के ऊपर भजन कर रहे थे और मदन मोहन जी का सेवा कर रहे थे, ये उनका समाधि मंदिर है, यहाँ पर उनको समाधि दिया गया है।
ये मंदिर में यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं राधा मदन मोहन देव मंदिर के नीचे ही ये सनातन गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। यहाँ से आप देख सकते हैं मदन मोहन मंदिर भी दर्शन हो रहा है, ऊपर है उसके नीचे ही, नीचे से उतर के आएंगे तो सनातन गोस्वामी जी का ये भजन गोस्वामी जी का समाधि मंदिर। ताला है जहाँ पर महाप्रभु जब आते थे यहाँ पर बैठ के वो हर रोज जप करते थे। यहाँ पर महाप्रभु का विग्रह भी आप देख सकते हैं, सुंदर विग्रह है जहाँ पर महाप्रभु यहाँ पर बैठा करते थे और बैठ के यहाँ पर जप करते थे। ये इमली का पेड़ आज भी आप देख सकते हैं, जो इमली का पेड़ के नीचे महाप्रभु बैठ के जप करते थे। तो बिल्कुल आप मदन मोहन जी का दर्शन करते करते जब आगे आएंगे यमुना के किनारे ही आपको देखने को मिलेगा ये इमली ताला, जहाँ पर महाप्रभु बैठ के दर्शन करते थे। और यहाँ पर सुंदर एक राधा कृष्ण मंदिर भी बना है, विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत सारा भगवान के राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है डायराओं के माध्यम से, वो भी सब दर्शन कर सकते हैं। तो ये हम दर्शन किए इमली ताला, महाप्रभु के सुंदर विग्रह भी देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे, हरे कृष्ण। अभी हम आ गए राधा दामोदर मंदिर में, परिक्रमा किया तो गोवर्धन जी का परिक्रमा हो जाएगा। तो शिला भी आप यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में देख सकते हैं, और हम राधा दामोदर मंदिर में अभी परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में बहुत सारे जो हमारे गौड़िया वैष्णव के आचार्य हैं सबका समाधि आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, सब आचार्यों का समाधि। यहाँ पर आप देखिए जीव गोस्वामी पाद का समाधि मंदिर भी यहाँ पर है, दर्शन कर सकते हैं जीव गोस्वामी जी का समाधि मंदिर। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भी समाधि मंदिर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का ये समाधि मंदिर है यहाँ पर। फिर बहुत सारे जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं उनका यहाँ पर समाधि मंदिर है, देख सकते हैं बहुत सारे समाधि मंदिर यहाँ पर है जो हमारे परंपरा में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये सब गौड़ीय वैष्णव आचार्य आते हैं। और सबसे प्रमुख यहाँ पर जो है रूप गोस्वामी, उनका भजन कुटीर और उनका समाधि मंदिर है। और
इस जगह में ही इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हिज ग्रेस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद यहाँ पर रुके थे, उनका रूम भी देखेंगे। छोटा सा गौशाला है पीछे, देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता यहाँ पर रहते हैं, छोटा सा गौशाला है। और सब लोग दिया दान करने, क्योंकि कार्तिक का महीना है तो यहाँ पर दिया दान हो रहा है। तो अभी हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे और आगे हम रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर और समाधि मंदिर भी देखेंगे, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर भजन चालू है यहाँ पर। रूप गोस्वामी यहाँ पर भजन किए थे और यहाँ भी उन्होंने समाधि लिया था इस मंदिर में। देखिए तो यहाँ पर देखिए रूप गोस्वामी जी का समाधि मंदिर, यहाँ पर पंचतत्व का विग्रह। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। ये जो देख रहे हैं स्वामी जी का समाधि मंदिर, यहाँ पर हमने देखा रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर और समाधि देखा। और परिक्रमा में जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रभुपाद जी यहाँ पर 10 साल रुके थे और यहाँ पर रुके सब संस्कृत भाषा में जो शास्त्र था उसको अंग्रेजी भाषा में स्थानांतरित किया और यहाँ से 1965 में उन्होंने अमेरिका जाके प्रचार करके इस्कॉन का संस्था उन्होंने बनाया। ये रूम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है जो कि रूम यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बैठे हैं और यहाँ पर उनका बेड भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 10 साल रहे हैं और यहाँ पर रह के उन्होंने सभी शास्त्रों को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किए और भागवतों का जब पहला वॉल्यूम रेडी हो जाता है तब यहाँ से वो अमेरिका प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं उसी ज़माने का जैसे बना था सब भी आज वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रूम जो है गोवर्धन इको विलेज में हम देख सकते हैं, ऐसा रूम हमने बनाया है एग्जैक्टली सेम डायमेंशन में बनाया, जैसे प्रभुपाद जी हैं जैसे बनाए वैसे वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का रूम हो गया और ये देख सकते हैं प्रभुपाद जी का जो किचन है, तो यहाँ पर प्रभुपाद ना। अब हम यहाँ श्यामानंद पंडित जी के नुपुर प्राप्त स्थली में आए हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ जगह पर श्यामानंद पंडित जी अब झाड़ू कर लेते तो उनको नुपुर एक मिलता है, फिर वो नुपुर एक्चुअली राधा रानी का रहता है, फिर बाद में ललिता सखी आती है और श्यामानंद पंडित को बोलते हैं कि आप कृपा करके नुपुर दे दीजिए, लेकिन श्यामानंद पंडित मना करते हैं, बोलते हैं कि जिनका मैं उनका दूंगी। तो ललिता सखी फिर श्यामानंद पंडित को गोपी का रूप में लेके राधा रानी के पास लेते हैं और तब राधा रानी और नुपुर पहनाते हैं और नुपुर पहनाने के बाद राधा रानी उनको नुपुर से ही एक तिलक लगाते हैं, उनको तिलक आ जाता है और उनको एक विग्रह देते हैं और वही विग्रह है श्याम सुंदर विग्रह। तो इस प्रकार ये राधा श्याम सुंदर का विग्रह मिलता है श्यामानंद पंडित को। आइए जाते हैं अभी विग्रह को दर्शन करने के लिए मुख्य मंदिर की तरफ जाते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर की तरफ, चाहिए चलते हैं दर्शन करने के लिए श्याम सुंदर मंदिर। तो ये श्याम सुंदर मंदिर है, यहाँ पर जाएंगे तो राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर विग्रह है जो कि श्यामानंद पंडित को राधा रानी ने दिया था। हरे कृष्ण। राधा रमन मंदिर में पहुँच गए, ये सुंदर मंदिर जो देख रहे हैं राधा रमन जी, ये जो सबसे विग्रह इनका छोटा है क्योंकि ओरिजिनल विग्रह वृंदावन में आज इनका दर्शन कर पाएंगे, बाकी सब विग्रह जयपुर में ले चुका गया है। तो ये राधा रमन जी का बोलते हैं भगवान कृष्ण के साथ अभिन्न है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शालिग्राम शिला वहाँ से वो प्रकट हुए हैं राधा रमन जी। जय हरे कृष्ण। राधा रमन मंदिर में अभी आगे हैं, विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि इस विग्रह में उनका जो पैर है सम वो जो है मदन मोहन जी के साथ मैच होता है और जो उनका वक्षस्थल है गोपीनाथ जी और चेहरा है गोविंद देव जी। इस प्रकार ये राधा रमन विग्रह में एग्जैक्टली भगवान कृष्ण के साथ मैच होते हैं, बहुत ही सुंदर विग्रह है और
बहुत ही छोटे विग्रह है। जो ओरिजिनल विग्रह आज भी मदन मोहन राधा रमन जी वृंदावन में पूजा पा रहे हैं, इतने छोटे विग्रह थे इसलिए उनको छुपा दिया गया था, उनको लेके नहीं गए। बहुत सुंदर मंदिर है। रमन मंदिर से सीधा बाहर आएंगे तो इस सामने दिख रहा है गली में जाएंगे तो यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भजन कुटीर समाधि मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो भी दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे ही राधा रमन मंदिर से आगे बढ़ेंगे और दाएं तरफ मुड़ के आएंगे तो 100 मीटर में आपको आएगा राधा गोकुलनाथ मंदिर है। ये मंदिर में आप लोकनाथ गोस्वामी जी का विग्रह देख सकते हैं, राधा विनोदीलाल, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विग्रह देखेंगे राधा गोकुलानंद जी, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का शालिग्राम शिला जो गोवर्धन शिला वो भी देख सकते हैं, इस प्रकार सबका दर्शन कर सकते हैं। और उनके साथ अब यहाँ पर देखेंगे चैतन्य महाप्रभु भी देख सकते हैं जो कि विग्रह है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़े विग्रह जो देख रहे हैं वो राधा विजय गोविंद जी है बलदेव विद्याभूषण के, और उनके बगल में जो मीडियम विग्रह देख रहे हैं और राधा विनोदीलाल हैं लोकनाथ गोस्वामी के, और राधा विनोदीलाल विग्रह के नीचे जो देख रहे हैं छोटे विग्रह और राधा गोकुलानंद है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, और पूरा साइड में जो आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर जी के हैं, और सामने देखेंगे छोटा सा एक गिरिराज शिला है और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था वो गिरिराज शिला। इस प्रकार इस मंदिर में सबका एक साथ आप दर्शन कर पा रहे हैं। सुंदर सा मंदिर है राधा गोकुलानंद मंदिर। हरे कृष्ण। और से यहाँ पर हम सबका समाधि भी देख सकते हैं, इस मंदिर में लोकनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये लोकनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि ही मंदिर है जिनका विग्रह है राधा विनोदीलाल। फिर आगे हम आएंगे यहाँ पर देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी का समाधि विग्रह है जिनका विग्रह हमने देखा चैतन्य महाप्रभु, और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका समाधि मंदिर है जिनका विग्रह हमने देखा राधा गोकुलानंद, और फिर आगे हम आएंगे यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार सब समाधि मंदिर यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर में। राधा रमन मंदिर से निकल के बाएं तरफ मुड़ के थोड़ा आगे आएंगे तो ये मंदिर है राधा गोपीनाथ मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। ये राधा गोपीनाथ मंदिर मधु पंडित गोस्वामी जी का मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर, चलिए अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। मधु पंडित गोस्वामी जी का मंदिर है राधा गोपीनाथ, और जानवर अनंग मंजरी भी आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जय गोपीनाथ की जय। यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी और अनंग मंजरी जी का दर्शन कर सकते हैं जो कि मधु पंडित जी के विग्रह है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बीच में देख रहे हैं गोपीनाथ जी, और गोपीनाथ जी के राइट में देख रहे हैं जो छोटी राधा रानी पहले लेफ्ट में थी तो बाद में जाह्नवी देवी को सपने में आए, जाह्नवी देवी को लगा कि विग्रह बहुत छोटा पड़ रहा है तो उन्होंने उड़ीसा से विग्रह मंगाए, तो पुरुषोत्तम जना राजा ने उड़ीसा से विग्रह भेजे बड़े राधा रानी को, और जब उस समय राधा रानी सपने में आई जाह्नवी देवी को बोली कि एक्चुअली जो छोटा विग्रह आप देख रहे हैं वही मैं हूँ, और जो बड़े विग्रह आप लेके आए वो एक्चुअली अनंग मंजरी है मेरी छोटी बहन। तो वहाँ को यहाँ एक मंदिर है जहाँ पर अनंग मंजरी को कृष्ण के बाएं तरफ रखा गया है, क्योंकि राधा रानी ने खुद बोली कि उनको यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर अनंग मंजरी और कृष्ण है और राधा रानी कृष्ण के दाएं तरफ है, और एक दिन ऐसा लीला होता है कि जाह्नवी देवी दर्शन करते करते खुद अप्रकट हो गई और अनंग मंजरी के विग्रह में प्रवेश कर गई। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अनंग मंजरी का विग्रह का जो चेहरा है जाह्नवी देवी के साथ मैच होता है, तो इसीलिए उनको भी जाह्नवी देवी बोल के बोला जाता है। इस प्रकार हमने दर्शन किया राधा गोपीनाथ देव भगवान की इच्छा। अभी हम सामने देख रहे हैं राधा गोविंद देव मंदिर देख रहे हैं जहाँ पर राधा गोविंद जी का पूजा पा रहे थे। प्राचीन मंदिर 7 माले का मंदिर था लेकिन ऊपर का 3 माला को तोड़ा गया है तो अभी 4 माला ही है। तो राधा गोविंद विग्रह जो है ये विग्रह यहाँ पर पूजा पा रहे थे, तो रूप गोस्वामी जब
रो रहे थे और उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि गोविंद देव को ढूंढने के लिए, तो उनके प्रयास से गोविंद देव दर्शन देते हैं ये गोमती टीला में और यहाँ पर रूप गोस्वामी उनको प्राप्त करते हैं। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी मिल के आकेवर जब राजा थे उनके मदद से प्राचीन मंदिर का निर्माण किया जाता है, राधा गोविंद देव मंदिर। इस मंदिर को भी डायलॉग इन स्टोन बोला जाता है क्योंकि जीव गोस्वामी मंदिर के बाहरी का आर्किटेक्चर देखेंगे तो अंदर तो हिंदू मंदिर जैसा है, बाहरी रूप से देखेंगे तो बाहरी एक मस्जिद की तरह बनाया गया है और एक क्रिश्चियन जो चर्च बनाते हैं उस दोनों का मिश्रण में बाहर का आर्किटेक्चर बनाया गया ताकि कॉम्प्रोमाइज किया गया क्योंकि अकबर ने अलाउ किया मंदिर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो बाहरी रूप से एक मस्जिद का आकार दिया गया है लेकिन अंदर में राधा कृष्ण का विग्रह को स्थापना करके राधा कृष्ण का पूजा किया गया है। ये राधा गोविंद मंदिर के, ये मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कितने विशाल मंदिर है। बोला जाता है कि मंदिर इतना बड़ा था कि मंदिर के ऊपर 16,000 का घी का एक लैंप लगाते थे जो कि बाहर जब औरंगजेब दिल्ली में था तो देख रहा था कि इतना बड़ा लैंप क्या है और तब उसको पता चलता कि हिंदू मंदिर है, तो फिर वो तोड़ने के लिए प्रयास करता है और ऊपर का 3 माला तोड़ने के बाद ये 4 माला तोड़ नहीं पाता है, कुछ इमरजेंसी आता है तो रुक जाता है। इस प्रकार ये मंदिर अभी यहाँ पर देखते हैं और जो ओरिजिनल राधा गोविंद मंदिर है, गोविंद देव जो अभी जयपुर में स्थानांतरित किया गया है, जयपुर में आप जाएंगे तो गोविंद देव जी का बड़ा ही मंदिर है जहाँ पर उनका दर्शन आप कर सकते हैं। जय राधा गोविंद भगवान की जय। ये जो सामने आप देख रहे हैं योग पीठ है, तो यही जगह है जहाँ पर एक गोमती टीला था, एक गाय के हर रोज दूध दे रही थी, तो रूप गोस्वामी जब विग्रह को ढूंढ रहे थे गोविंद देव विग्रह उनको नहीं मिल रहा था तो एक गोपाल आके बोलते कह रहे बाबा यहाँ पर हर रोज गाय आके दूध देती है, आप थोड़ा यहाँ पर देखिए। और जब रूप गोस्वामी जहाँ लोगों को लेके खोजना चालू करते तो यहाँ पर ही गोविंद देव का प्राकट्य स्थली है, इसलिए इसको योग पीठ बोला जाता है। तो वैसे वृंदावन में 3 योगपीठ है, ये एक योगपीठ हो गया गोविंद देव मंदिर, दूसरा हो गया राधा कुंड श्याम कुंड का संगम, तीसरा हो गया वृंदा देवी। वो ये 3 योगपीठ में भगवान सुबह दोपहर को शाम को राधा रानी के साथ मिलकर लीला करते हैं। हरे कृष्णा।